तो राजस्थान के सियासी संकट को लेकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता दिनेश कसाना जी। दिनेश बताएं, जिस तरह से सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है और अब कंफ्यूजन की स्थिति भी पैदा हो रही है, इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज शाम को दिल्ली जाएंगे, क्या कुछ अपडेट है? और देखिए, अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है और ये करीब साढ़े पांच बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली मुख्यमंत्री का दौरा ही काफी महत्वपूर्ण है और यही अपडेट है कि आज उनकी दिल्ली की यात्रा जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। पूरा जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है और उसमें सबकी नजरें टिकी हुई है, पल पल पूरा सियासी घटनाक्रम बदल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना ही अपने आप में एक बड़ा अपडेट है। उनकी वहां किससे मुलाकात होती है, कांग्रेस प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात होगी या प्रियंका गांधी से मिलेंगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आलाकमान की ओर से बुलाया गया है या सीएम ने टाइम मांगा है, क्या उनका शेड्यूल रहेगा आगे का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम चला और सीएलपी की बैठक नहीं हो सकी, उसके बाद ऑब्जर्वर्स वापस लौट गए और उन्होंने लिखित में प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दी है और उसके बाद सोकॉज नोटिस तीन लोगों को यहाँ पर जारी हुआ है, दो मिनिस्टर्स हैं, एक चेयरमैन है, तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा रहेगा। क्या घटनाक्रम आगे का रहता है, मुख्यमंत्री का प्रेसिडेंट से मिलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के जो नॉमिनेशन भरने का समय है वो दो दिन का बचा है केवल, तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलकर इस पर भी कोई उनकी चर्चा होगी या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चूंकि प्रबल दावेदार थे, उनकी ओर से ये घोषित कर दिया गया था नामांकन का कि नामांकन वो दाखिल करेंगे, उसके बाद ही ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में सीएम का क्या डिसीजन रहता है, क्या वो नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे, कांग्रेस प्रेसिडेंट से मुलाकात के बाद ही ये पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये तय है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाना ही अपने आप में एक बड़ा संकेत है, वहां पर आलाकमान से उनकी मुलाकात होगी और क्या इस मुलाकात में रहता है, क्योंकि सचिन पायलट कल ही दिल्ली पहुंच गए थे लेकिन जिस तरह की सूचना मिली कि वो आज राजीव शुक्ला जो हिमाचल के प्रभारी हैं हिमाचल कांग्रेस के और सचिन पायलट भी वहां बतौर जो है ऑब्जर्वर उनको लगाया गया है भूपेश बघेल के साथ, तो इस तरह से प्रियंका गांधी की मुलाकात की खबरें वहां से आई कि राजीव शुक्ला के आवास पर सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है, लेकिन उस मुलाकात में क्या रहा ये बात अभी कर निकल कर नहीं आई है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है इस सियासी घटनाक्रम से, चूंकि क्या बातचीत आलाकमान से होगी, कोई समझाइश के प्रयास होंगे, दोनों को एक साथ बिठाया जा सकता है, समझाइश की जा सकती है, चूंकि कांग्रेस को आज जरूरत है दोनों नेताओं की और इस तरह से हाईकमान ने जो फॉर्मूला निकाला है क्या घटनाक्रम आगे का रहता है ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली जाने से पहले यहाँ पर जो प्रमुख उनके रणनीतिकार हैं उनसे मुलाकात की है, पार्लियामेंट मिनिस्टर है शांति धारीवाल, पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उन दोनों को नोटिस मिला हुआ है, प्रताप सिंह खाचरियावास, स्पीकर भी वहां पर पहुंचे थे, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव पहले स्पीकर के आवास पर पहुंचे, उनको गाड़ी में लेकर वो मुख्यमंत्री आवास पर गए, मुख्यमंत्री से इन तमाम नेताओं की बातचीत हुई है, तो रणनीति पर मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हाईकमान से मिलेंगे तो क्या बातचीत उनकी होगी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने थोड़ी देर पहले जब मीडिया से बातचीत की, मुख्यमंत्री आवास से वो वापस लौटे थे, तो उन्होंने कहा कि 102 विधायकों की जो भावना है वो कांग्रेस हाईकमान के सामने मुख्यमंत्री रखेंगे, तो ये तो बात तय है कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से उनके मिलने का समय है वो मिला हुआ है और ऐसे में उनकी मुलाकात होगी। तो राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर जो क्या अपडेट रहता है, क्या बातचीत होती है, इसका भी पटाक्षेप हो सकता है। तो दिनेश, जिस तरह से आपने पूरी चीज बताई कि आज कल सचिन पायलट पहुंच चुके दिल्ली, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे, तो क्या अब सोनिया गांधी जो भी आला कमान है वो वापस से कांग्रेस को एकजुट कर पाएगी जिस तरह से, क्योंकि विवाद चल रहा था? देखिये, प्रयास यही रहेंगे क्योंकि दोनों ही काफी महत्वपूर्ण नेता, क्योंकि पूरा फैसला आला कमान पे टिका हुआ है आप सबका, बिल्कुल निगाहें हाईकमान पर है, क्या डिसीजन हाईकमान लेता है और दोनों को एक साथ बिठाने की जहां तक बात है वो, चूंकि सचिन पायलट भी दिल्ली में है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जा रहे हैं,
क्योंकि दो दिन पहले भी ये खबर आई थी कि अब सीएलपी की मीटिंग नहीं हुई थी कि दोनों को दिल्ली बुलाया जा सकता है और दिल्ली बुलाकर, चूंकि जिस तरह का घटनाक्रम 2018 में हुआ, दोनों लीडर्स को वहां पर राहुल गांधी ने बुलाकर दोनों को समझाया और उसके बाद ही एक साझा फार्मूला निकाला गया था। तो अभी भी कयास यही है कि दोनों को बिठाकर हाईकमान एक कोई साझा फार्मूला निकाला जा सकता है जिस पर दोनों की सहमति हो। दिनेश, क्या लगता है जिस तरह से आलाकमान के साथ अगर मीटिंग होती है तो किसके पक्ष में फैसला होगा जो भी तय किया जाएगा, या फिर कांग्रेस के पक्ष में होगा? देखिए, हाईकमान कांग्रेस के पक्ष में फैसला करेगा, किसके पक्ष में होगा किसके पक्ष में नहीं होगा दोनों को बैलेंस करते हुए कोई फॉर्मूला निकाला जाएगा। जिस तरह से 2018 में किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दी गई, सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया और दोनों को ध्यान रखते हुए साझा फार्मूला निकाला जा सकता है। जी दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे दिनेश कसाना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी राजस्थान सियासत को लेकर।